Assalamu alaikum viewers, hope you are doing well. We are here to start small syllabus of 10th class and our today's topic is about the first chapter whose name is simple harmonic motion and waves. And our today's topic is related to simple harmonic motion and its examples. Let's talk about its definition. Define simple harmonic motion. Back and forth or to and fro motion about a point is called simple harmonic motion. SHM is a basically abbreviation of simple harmonic motion, shorter form of simple harmonic motion. Back and forth motion वो motion होती है जिसमें एक body forwards और फिर backwards move करें, mean एक ही point के आगे और पीछे movement करें. To and fro motion भी same ही होती है जिसमें हमारे पास for example आ जाए, simple pendulum की example आ जाती है, या कोई भी एक पत्थर हम ले लें, उस पत्थर को हम एक डोरी के साथ टाई करके उसको घुमाएं और वो जो डोरी हो वो किसी ऐसे पॉइंट के साथ टाई हुई भी हो जो फिक्स हो. अगर हम उसको एक बार मोमेंट के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर देंगे, फिर वो नेक्स्ट उसी अपने एक मेन पोजीशन के अराउंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड में मूव करती रहेगी. सेम सिंपल इसी मोशन को हम सिंपल पेंडोलम में भी डिस्कस करते हैं, या फिर वेव्स की मोशन भी ऐसी ही होती है जिसमें वो एक बार अप जाती हैं फिर एक बार डाउन जाती हैं, फिर इसी पॉइंट को वो नेक्स्ट बार रिपीट करती जाती हैं. हमारे पास जो स्प्रिंग की मोशन होती है, अगर हम स्प्रिंग को किसी वॉल के साथ टाई कर दें तो तब उसकी जो मोशन होती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उसको भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं. तो ये तो हो गई डेफिनेशन. अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. द मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग और अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लेस सरफेस, द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस इन अ बाउल एंड द मोशन ऑफ अ बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. कोई भी बॉडी जो कि कोई भी एक मैस जो है वो स्प्रिंग के साथ अगर अटैच कर दिया जाए, वो मैस उस स्प्रिंग को अगर हम एक बार एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर देंगे, वो अपने उसी पॉइंट के फॉरवर्ड्स एंड देन बैकवर्ड्स मूव करेगा. इस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल्स में कंसिडर करते हैं. और नेक्स्ट जो, लेकिन इस चीज़ के लिए एक जो है वो रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत है, वो है फ्रिक्शन लेस सरफेस, कि जो सरफेस हो वो फ्रिक्शन लेस हो. अगर फ्रिक्शन होगी तो वो फ्रिक्शन उस हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स होगी उसको अपोज करेगी. हमें कोई भी एक एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो अगर हमें लगानी है तो हमें ये भी नोट करना होगा कि उसमें कोई भी जो सरफेस हो वो फ्रिक्शन लेस हो, उसमें फ्रिक्शन ना हो. द मोशन ऑफ अ बॉल, किसी भी बॉल की मोशन को भी हम सिंपल हार्मोनिक में कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोई बाउल हम लें, उस बाउल में उस बॉल को प्लेस कर दें और नेक्स्ट एक बार उसको मूव करवाएं, नेक्स्ट वो उसी में मूवमेंट करता रहेगा, इसको भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे. एक बॉब, कोई एक बॉब हो वो भी किसी स्ट्रिंग के साथ अगर हम अटैच कर दें और उसको अपनी मेन पोजीशन से प्लेस कर दें किसी हाईएस्ट पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे, वो देन उसी अपनी मेन पोजीशन के अराउंड में अप एंड डाउन में लेफ्ट और राइट में बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा, इस मोशन को भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देंगे. उम्मीद है आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसकी एग्जाम्पल्स की समझ आ गई होगी. अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.